नमस्कार दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मेरा नाम है रविंदर और दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा एयरटेल पेमेंट बैंक का पासवर्ड चेंज करते समय यदि आपकी स्क्रीन पर भी इस प्रकार से एरर शो करे यू आर नॉट रजिस्टर्ड ऑन ए रिटेलर। तो गाइस आज की वीडियो में आपको बताऊंगा इसके आने का कारण क्या है और ये सोल्व प्रॉब्लम कैसे होगी, तो गाइस जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो गाइस चलिए वीडियो में बने रहें, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और यदि आप YouTube चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और यदि आपने अभी तक हमें फेसबुक पेज पर फॉलो नहीं किया है गाइस तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर लाइक और फॉलो कर दीजिए और इसी प्रकार का वीडियो का आनंद आप वहां पर भी ले सकते हैं। यदि आपको टेलीकॉम से रिलेटेड कोई समस्या आती है तो आप फेसबुक पेज पर हमसे मैसेज के जरिए जुड़ सकते हैं, हम आपकी वहां से भी पूरी मदद जरूर करेंगे। तो गाइस बात करते हैं शुरुआती दौर से। गाइस जब मैं एयरटेल पेमेंट बैंक का शुरुआती दौर में जब रिटेलर बना था तो गाइस यहां पे जो है मैं एयरटेल पेमेंट बैंक को हर महीने थोड़ी बहुत ट्रांजैक्शन किया करता था, एक दो रिचार्ज कर दिया करता था और एक दो यहां पर जो है डिस्क रिचार्ज या कस्टमर का स्टेटमेंट यानी कि स्टेटमेंट निकालता था या उनका बैलेंस इंक्वायरी किया करता था एयरटेल पेमेंट बैंक के माध्यम से। तो गाइस यहां पर जो है जब मैं उसको यूज करता रहा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई और गाइस हुआ क्या कि मैंने उसका थोड़ा सा एयरटेल पेमेंट बैंक का ध्यान देना बंद कर दिया। तो गाइस यहां पर जो है एक महीना बीता, दो महीने बीते तो यहां पर दोस्तों एक दिन मैं अपने एयरटेल पेमेंट बैंक को लॉगिन कर रहा था तो वो मेरा पासवर्ड नहीं ले रहा था। तो गाइस मैंने सोचा कि मैं अपने एयरटेल पेमेंट बैंक के पासवर्ड को रीसेट कर देता हूं। तो गाइस जब मैंने रीसेट के लिए जब ऑप्शन चुना तो गाइस यहां पर जब मैंने अपना लापू नंबर एंटर किया, लापू नंबर एंटर करने के बाद मेरे लापू पे ओटीपी आया, जो भी मेरा एयरटेल का रजिस्टर लापू नंबर है। तो गाइस यहां पर ओटीपी दर्ज किया, दर्ज करने के बाद फिर मैंने नया जो भी मुझे पासवर्ड बनाया था वो मैंने एंटर किया। उसके बाद गाइस फिर से मैंने री एंटर अपना जो पासवर्ड बनाया था नया वो भी डाला। इसके बाद जब मैं सबमिट पर क्लिक कर रहा हूं तो गाइस यहां पे जो है मुझे लिखा रहा है यू आर नॉट रजिस्टर्ड ऑन ए रिटेलर। तो गाइस यहां पे जो मैं काफी ज्यादा परेशान हो गया कि मैंने सोचा कि कोई प्रॉब्लम चल रही होगी। मैंने जो है एक दो दिन बाद फिर से ये ट्राई किया, जब भी मैं देख रहा हूं तो गाइस मुझे इसी प्रकार की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो गाइस यहां पर जब मैंने अपने एक फ्रेंड से बात की कि मुझे इस प्रकार से प्रॉब्लम आ रही है तो गाइस उन्होंने मुझे बताया इसका प्रॉब्लम का फुल सलूशन। तो गाइस मैं आपको बताता हूं इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या होगा। तो गाइस यदि आप भी एयरटेल मित्र एप्लीकेशन में आपने अपने एयरटेल पेमेंट बैंक की सर्विस को स्टार्ट किया है और गाइस आप जो है एयरटेल पेमेंट बैंक को यूज करते हैं, कस्टमर का रिचार्ज भी उसी से कर देते हैं या डीटीएच का रिचार्ज कर देते हैं यानी कि जो भी आप उससे करते हैं, तो गाइस यहां पे जो है यदि आप जो है उससे कुछ भी यूज नहीं करेंगे यानी स्टेटमेंट निकालेंगे या कस्टमर का बैलेंस इंक्वायरी नहीं करेंगे या उसमें एड बैलेंस करके कस्टमर का रिचार्ज नहीं करेंगे जो उसमें बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है एयरटेल पेमेंट बैंक की, तो गाइस यदि आप जो है उसको यूज नहीं करोगे, आप उसको ऐसे ही छोड़ दोगे तो गाइस यहां पे जो है जब आपका डिस्ट्रीब्यूटर देखता है किस रिटेलर ने अपना एयरटेल पेमेंट बैंक की सर्विस को स्टार्ट तो किया है बट वो उसको यूज नहीं कर रहा है। तो यहां पे दोस्तों होता क्या है, जैसे कि आपको बताया कि जब हमारी ज्यादातर जो सर्विसें हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर हैंड से ही एक्टिवेट की जाती है, हम यहां से कंपनी को यानी कि जब आपने शुरुआती दौर में उसको चालू किया होगा तो यहां पर दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी उसका अप्रूवल के लिए नोटिस आता है। तो यहां पर दोस्तों जब डिस्ट्रीब्यूटर उसको नोटिस को अलाउ कर देता है तभी हमको वो सर्विस यूज करने को दी जाती है यानी कि हमको परमिशन दी जाती है। गाइस यहां पे जब आप अपने एयरटेल पेमेंट बैंक को चालू तो कर लोगे लेकिन उसको यूज नहीं करोगे तो दोस्तों यहां पे जो है डिस्ट्रीब्यूटर के यहां पर सब कुछ शो होता है कि आप वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो गाइस यहां पे जो है डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से आपको सर्विस को बंद कर दिया जाता है, जो आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर है अपने पोर्टल से आपकी जो भी एयरटेल पेमेंट बैंक की सर्विस थी लॉगिन करने की उसको बंद कर देते हैं। तो गाइस यहां पे जो है यदि आपकी भी सर्विस इस प्रकार से बंद हो गई है तो गाइस इसके लिए आपको करना क्या है, आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर से कॉल करनी है और उनसे बोलना है कि सर मेरे एयरटेल पेमेंट बैंक की सर्विस को बंद कर दिया गया है, कृपया आप उसे कंपनी से चालू करवा दीजिए। यदि आपका डिस्ट्रीब्यूटर आपकी नहीं सुने तो गाइस यहां पे आपके टीएम होते हैं, आपको टीएम के पास कॉल करना है और उनसे बोलना है कि सर मेरे जो एयरटेल पेमेंट बैंक की जो सर्विस है उसको बंद कर दिया गया है, यहां पर जो है मैं अपने एयरटेल पेमेंट बैंक की सर्विस को चालू करना चाहता हूं और मैं उसको यूज करना चाहता हूं। तो गाइस जब आप उनसे इस प्रकार से निवेदन करेंगे तो वो आपकी उस सर्विस को
24 घंटे के अंदर अंदर चालू कर देंगे। आप फिर से पहले की तरह ही अपने एयरटेल पेमेंट बैंक को यूज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो गाइस मैं आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और गाइस यदि आप चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।